सदियों से मनुष्य रोजमर्रा के कई कामों में हवा का इस्तेमाल करता रहा है। 2000 साल पहले चीनी और फारसी इंजीनियरों ने स्वतंत्र रूप से पहली पवन चक्की यानी विंड मिल विकसित की थी ताकि सिंचाई के लिए पानी पंप किया जा सके। मिडिवल टाइम्स के दौरान विंड मिल्स को यूरोप में पहली बार देखा गया जब उनका उपयोग कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाने लगा। ये विंड मिल 1800 के दशक में निर्मित क्लासिक डच शैली की विंड मिल का एक उदाहरण है। एक समय हवा पर पकड़ बनाने के लिए ब्लेड को कैनवास के साथ कवर किया जाता था। हालांकि ये शुरुआती विंड मिल्स आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उतनी इफिशियंट नहीं थीं, लेकिन जिस तरह उन्होंने उस समय उत्पादन बढ़ाने में मदद की उसने उन्हें एक उपयोगी उपकरण बना दिया। आधुनिक बिजली पैदा करने वाली विंड मिल पहली बार 19वीं सदी के अंत में सामने आई। हालांकि 1970 के दशक के ऊर्जा संकट के दौरान ही वो पहला ऐसा दौर था जब विंड पावर को एक बड़े पैमाने पर डेवलप करने के बारे में सोचा जाने लगा। 1990 के दशक के अंत तक बड़े बड़े विंड फार्म दिखाई देने लगे और हवा से उत्पन्न बिजली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होने लगी। आधुनिक विंड टरबाइन के तीन भाग होते हैं, रोटर ब्लेड्स, नजल और टावर। ज्यादातर विंड टरबाइन्स में तीन रोटर ब्लेड्स होते हैं जो 100 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ब्लेड्स विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं। विंड टरबाइन के ब्लेड्स एक हवाई जहाज के पंखे की तरह दिखते हैं। वे ऊपर से कर्व्ड और नीचे से फ्लैट होते हैं। ब्लेड के ऊपर बहने वाली हवा को थोड़ा ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, इसलिए उसके नीचे बहने वाली हवा के साथ रहने के लिए उसे ज्यादा तेज चलना पड़ता है। बर्नौली का सिद्धांत कहता है कि हवा की गति में ये अंतर ब्लेड के इर्द गिर्द एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। ये प्रेशर डिफरेंस एक लिफ्ट फोर्स को जन्म देता है जो टरबाइन ब्लेड को घुमाने के लिए जिम्मेदार है। नसल के अंदर विंड टरबाइन में बिजली पैदा करने के लिए जिम्मेदार सभी उपकरण मौजूद होते हैं। सभी तीन रोटर ब्लेड हब से जुड़ी होती हैं। हब धीरे धीरे गियर बॉक्स से जुड़ी एक शाफ्ट को घुमाता है जो बदले में बिजली के जनरेटर को पावर देने के लिए जिम्मेदार एक और शाफ्ट को तेजी से घुमाता है। इसके बाद बिजली को विद्युत ग्रिड के माध्यम से ग्राहकों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक औसत यूटिलिटी स्केल विंड टरबाइन की क्षमता लगभग 2 मेगावाट होती है जो 500 नॉर्मल साइज के घरों के लिए पर्याप्त है। टावर विंड टरबाइन के स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रदान करता है और रोटर ब्लेड्स को जमीन से ऊपर उठाता है ताकि वे निरंतर और ज्यादा ताकतवर हवाओं का इस्तेमाल कर सके। इस प्रयोग में हम बिजली उत्पन्न करने के लिए विंड टरबाइन के एक स्केल्ड मॉडल का उपयोग करेंगे। ये विशेष मॉडल 2.5 फुट लंबा है और इसके ब्लेड्स 1 फुट लंबे हैं। ये औसत यूटिलिटी साइज्ड वाले टरबाइन से लगभग 100 गुना छोटा है। हालांकि इसमें सभी जरूरी पार्ट्स हैं, टावर, नसल और रोटर ब्लेड्स। अभी इस विंड टरबाइन द्वारा विंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदली जा रही है। वोल्टमीटर ये जांच रहा है कि टरबाइन द्वारा कितनी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। हमारी टरबाइन लगभग 0.8 वोल्ट बिजली का उत्पादन कर रही है जो एक छोटे एलईडी को जलाने के लिए काफी है। और अधिक बिजली पैदा करने के लिए हम क्या बदलाव कर सकते हैं? इस वीडियो को यहीं रोकें और कुछ बदलावों के बारे में सोचें। टरबाइन के आउटपुट को बढ़ाने के कुछ तरीकों में शामिल हैं तेज हवा, ब्लेड का एंगल बदलना, ज्यादा लंबी ब्लेड का उपयोग और एक बड़े जनरेटर का उपयोग। विंड पावर के समर्थक भी हैं और विरोधी भी। आइए नजर डालते हैं विंड पावर के इन विभिन्न पहलुओं पर। विंड पावर के कुछ फायदे इस प्रकार हैं। बिजली बनाने के लिए विंड टरबाइन हवा का इस्तेमाल करती है जो कि एक प्राकृतिक और रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है। विंड टरबाइनों के निर्माण के लिए फॉसिल फ्यूल की आवश्यकता तो होती है, लेकिन टरबाइन बनने और चलने के बाद उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। विंड पावर में होने वाला अधिकांश खर्च टरबाइन की स्थापना के साथ ही जुड़ा होता है। विंड टरबाइन को लगभग कहीं भी लगाया जा सकता है जहां निरंतर और अनुकूल हवाएं चलती हैं। विंड पावर के नुकसान कुछ इस तरह से हैं। फिलहाल विंड पावर दूसरे नॉन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज को सिर्फ सप्लीमेंट करने में सक्षम है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि विंड टरबाइनों के शोर और बिजली की फ्लिकरिंग आसपास रहने वाले लोगों के लिए बीमारी का कारण बन सकती है। कुछ एनवायरमेंटलिस्ट्स का कहना है कि बड़े विंड फार्म्स स्थानीय वन्य जीवों के बिहेवियर को प्रभावित कर सकते हैं। विंड टरबाइन का निर्माण सभी स्थानीय निवासियों को समान रूप से प्रभावित नहीं करता, लेकिन कुछ केसेस में आसपास की प्रॉपर्टी रेट्स कम हो सकती हैं। क्या विंड पावर के ग्लोबल बेनिफिट्स इन स्थानीय कमियों की भरपाई कर पाएंगे? ये हम सभी के लिए चर्चा का अहम विषय है, जबकि हमारी एनर्जी नीड्स और पर्यावरण का भविष्य कुछ अनिश्चित सा नजर आता है।